Hey guys, hi. After long time, बहुत सारे time के बाद, beard and mustache, everything shaved. Let's start. But first, coffee, okay? Let me have some sip of coffee and we'll start. One second. Let's start. Okay, चलो. बात करते हैं. बहुत सारे टॉपिक है आज बात करने के लिए. बहुत सारे टॉपिक है बात करने के लिए. मूवीज़ है द पाइरेट्स ऑफ सोमालिया, हमिंग बर्ड, जेसी आइजनबर्ग की द हमिंग बर्ड प्रोजेक्ट, सुपर 30, द इंट्रूडर, हाउस पॉन्ड, NGK, बाकी की स्टफ है, हेल्थ से रिलेटेड है. एज यूजुअल प्रीवियसली मैंने कहा था, गिल्ट, रिग्रेट एंड फियर किल्स अ मैन फास्टर देन हिज टाइम. और जो लोग बोलते हैं ना, अरे मूवीज़ तो मूवीज़ है, उसका कुछ रियल लाइफ से कुछ रिलेशन है नहीं है. मूवीज़ क्या है, ऐसे ही मूवीज़ है. सो उसके लिए भी मेरे पास एक आंसर है, आई आंसर दैट, तो उसके बारे में बात करेंगे. एंड के लिए यस, व्हाट इज हेल्थ, ओके, क्या है हेल्थ, लेट्स टॉक अबाउट दैट. एंड लेट मी नो योर थाट्स इन कमेंट सेक्शन. कुछ ऐसे, यप, डू इट लर्न इट, ऐसे कुछ 12-13 टॉपिक है मूवीज़ के साथ में. बहुत टाइम से कुछ था नहीं ऐसे मूवीज़ सीरीज़ कुछ भी ऐसे जिसके बारे में मैं फील कर रहा था कि कुछ बात करूँ, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया. नाउ लेट्स टॉक विथ अ ब्लैक कॉफी एंड अ पिंच ऑफ सिनेमन. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट मूवी है द पायरेट्स ऑफ सोमालिया. द पायरेट्स ऑफ सोमालिया क्यों मैंने इस मूवी को चूज किया और क्या है ये मूवी. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये मूवी है, सिंपल में स्टोरी बता देता हूँ उसकी. ये मूवी है अबाउट वन सिटीजन ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो जॉब कर रहा है कुछ मार्केटिंग इसमें उसमें, छोटे मोटे जॉब कर रहा है और थोड़ा सा लाइफ में बोर्ड है. और जो कुछ उसको करना है, उसको एक रिपोर्टर बनना है, अच्छा खासा रिपोर्टर बनना है, उसको कुछ ऐसी स्टोरी कवर करनी है जो रियलिस्टिक है, जो रियल लाइफ से रिलेटेड है, उसको ऐसी स्टोरी कवर करनी है. बट उसको नहीं, वो नहीं कर पा रहा है, ही इज़ नॉट एबल टू डू दैट. क्यों? क्योंकि उसके पास ग्रेजुएशन नहीं है, क्या बोलेंगे उसको, रिपोर्टर बनने के लिए जो ग्रेजुएशन लगता है, क्वालिफिकेशन लगता है, उसके पास नहीं है, इसलिए उसको वो चीज़ नहीं मिल पा रही है. देन व्हाट ही डिसाइड, सोमालिया बोल के एक देश है अफ्रीकन कंट्रीज में, आप गूगल कर सकते हो, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. वहाँ पे बहुत सारे इश्यूज है इकोनॉमी से रिलेटेड, वहाँ के लोकल प्रॉब्लम्स, बहुत सारे इश्यूज हैं सोमालिया में. अगर गूगल करोगे तो सब कुछ आपको पता चल जाएगा, अफ्रीकन कंट्री है. तो ये डिसाइड करता है कि वहाँ पे जो पायरेट्स है, मतलब सोमालियन अफ्रीकन जो पूरा क्षेत्र है, एरिया है उनका, उसके सी एरिया में अगर कोई ब्रिटिश, अमेरिकन कोई भी जहाज अगर एंट्री करता है तो वो लोग उसके ऊपर अटैक करते हैं. पायरेट्स, पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन, पता होगा आप सबको, पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन. तो वो उसके ऊपर अटैक करते हैं और उस शिप को वो लोग पूरा ये कर डिसमेंटल कर देते हैं, उस सारी चीज़ें ले लेते हैं. सो ये स्टोरी है इन लोगों की, पायरेट्स की. तो ये क्या करना चाहता है एज अ रिपोर्टर फ्रॉम यूनाइटेड नेशन के थ्रू या फिर वॉट एवर यूनाइटेड स्टेट्स के थ्रू, जाके वहाँ पे उनसे रियल स्टोरी उसको जाननी है कि वहाँ पे क्या हो रहा है, क्यों ऐसे लोग कर रहे हैं, एग्जैक्ट क्या रीज़न है ये सभी चीज़ों के पीछे, और ये है क्या चीज़, उसको जानना. ही इज़ क्यूरियस अबाउट दैट. फिर वो ऐसे ऐसे ट्राई करता रहता है, उसके पास डिग्री नहीं, कुछ नहीं, और कोई इसको भेजने के लिए भी तैयार नहीं है, ना यूनाइटेड स्टेट्स, ना नेशन, कोई इसको भेजने वाला नहीं है. वहाँ से जाने का उसका खर्चा कौन करेगा, ये सारी चीज़ें हैं. सो ये खुद ही डिसाइड करता है, पेरेंट्स को बोलता है, सारी खुद की फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेने का डिसाइड करता है, और एक पब्लिशर को फाइंड करता है कि मैं अगर निकलता हूँ वहाँ से, सेफली आता हूँ, तो उस टाइम मैं एक बुक रिलीज करूँगा जो मेरे पूरे एक्सपीरियंसेस है उसके ऊपर, और उस बुक को आप पब्लिश करो, फिर उसके बाद में जो रॉयल्टी, ये सभी चीज़ें, बात की फाइनेंशियल चीज़ें. तो ऐसे एक डील के लिए वो सर्च करता है पब्लिशर्स को, पब्लिशर मिलता है नहीं मिलता है, ये सारी चीज़ें होती है. नेक्स्ट, वहाँ पे जाने के बाद में उसकी लाइफ किस तरह से टर्न अराउंड हो जाती है. वो 5 to 6 days में, 1 week में वहाँ से पूरा करके निकलने वाला रहता है, वो कैसे वहाँ पे 5 to 6 months plus अटक जाता है,
वहाँ पे किस तरह से सिचुएशन बन जाते हैं, वो सोमालियन लैंग्वेज किस तरह से सीखता है, वहाँ के लोग किस तरह से रहते हैं, लोकल ड्रग वहाँ पे क्या है क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें वो एक्सप्लोर करता है वहाँ पे रह के। मरते मरते भी बचता है कई बार, कई बार वहाँ पे जो ड्रग लॉर्ड्स ये सभी चीज़ें रहती है उनसे फाइट करते करते भी वो बचता है, उनसे फ्रेंडशिप करता है, मतलब ये पूरा एनवायरमेंट बन जाता है उसके वहाँ पे रहते टाइम, उसकी एंट्री वहाँ पे कुछ ना एसी है ना कोई चीज़ें है, ये बंदा अमेरिका से आया हुआ है फिर वहाँ पे किस तरह से एडजस्ट कर पाएगा, ये सारी चीज़ें। तो इन सारी चीज़ों को कवर करने के बाद में आफ्टर 5 to 6 months 7 months ऐसे सिचुएशन कुछ क्रिएट हो जाते हैं वहाँ पे, जो सोमालियन माफिया जो कुछ भी है वो लोग अमेरिकन्स या फिर ब्रिटिश लोगों को मारते रहते हैं वहाँ पे, दे थिंक दे आर एनिमी, मतलब उनका जहाज आया उनको लगता है कि वो लोग हमारे देश में आ रहे हैं, हमारे देश का पूरा सामान लेके चले जा रहे हैं, ऐसा उन लोगों को लगता रहता है, तो उस टाइम उसको वहाँ से निकलना पड़ता है। लेकिन अप टू दैट उसने पूरा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया, वो जाने से जाते वक्त मतलब एक क्यूट टीनेजर के जैसे दिखता था, कुछ दाढ़ी नहीं है कुछ नहीं, एक सिंपल नॉर्मल टीनेजर के जैसे दिखता था, लेकिन आफ्टर गोइंग देयर वहाँ पे जाने के बाद में 5 to 6 7 months के बाद में उसका एक्सपीरियंस, उसकी मैच्योरिटी, उसकी बियर्ड, उसकी पर्सनैलिटी कैसे कम्प्लीटली चेंज होती है, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, और जब वो बैक एंट्री करता है स्टेट्स में आता है तब किस तरह से लोग उसको पूछने के लिए दौड़ते हैं कि हमें इन्फॉर्मेशन दो, हमें इन्फॉर्मेशन दो कि वहाँ पे क्या हुआ, किस तरह से हुआ, तुमने क्या किया क्या नहीं किया, वहाँ का एक्सपीरियंस बताओ, क्योंकि इतने कंडीशंस ख़राब हैं सोमालिया अफ्रीका में कि वहाँ पे कोई जाने के लिए रेडी ही नहीं है, इतने डेंजरस वहाँ पे कंडीशंस है, कोई नहीं जा सकता, अगर जाएगा तो उसको मार देते हैं लोग, चाहे रिपोर्टर जाने दो, कोई आर्मी पर्सन, कोई व्होएवर, लेकिन ये सर्वाइव कर जाता है उसमें, क्यों, क्योंकि उसका एक तो एक इनोसेंस में भी, उसके कुछ फ्रेंड्स बन जाते हैं वहाँ पे लोकल, वो उसको सोमालियन लैंग्वेज सिखा देते हैं और एक कैरेक्टर बन जाता है उसका वहाँ पे। तो बनने के बाद, होने के बाद, वो पूरा इन्फॉर्मेशन लेके आने के बाद में अभी इसकी वेलकम पार्टी होती है घर में, तो उस वेलकम पार्टी में एक स्लोगन है, वो स्लोगन है फक यू हार्वर्ड, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, जो जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं उससे पास आउट हो के ही या फिर उसमें कुछ बन के ही आप लाइफ में कुछ कर सकते हो, कुछ अचीव कर सकते हो, ऐसा ही है, ऐसा जो सोसाइटी में बना के रखा है ना उसको क्रैक करने के लिए ये उन्होंने स्लोगन बनाया फक यू हार्वर्ड, मतलब आपको जो करना है, आपको जो अचीव करना है, आपको जो कुछ बनना है, जो कुछ नहीं बनना है, ये सारी डिपेंड करती है चीज़ें आपके विल पावर के ऊपर, आपके माइंड सेट के ऊपर, आपके थिंकिंग के ऊपर, और आप किस तरह से उस चीज़ को प्लान करके कैरी आउट करके स्क्रिप्ट करके उसके ऊपर अमल करते हो, हाउ यू वर्क ऑन इट, इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि डिग्री के ऊपर, ना कि सर्टिफिकेट के ऊपर, ऐसी किसी भी चीज़ के ऊपर। यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगा, आप सबको पता है या नहीं पता नहीं मुझे, लेकिन गूगल ने ये अनाउंस कर दिया है कि आई गेस आपके पास स्किल्स है, ओके, स्किल्स पे द बिल्स, ऐसे बोलिए टैगलाइन है, अगर आपके पास स्किल है तो आप जॉब पा सकते हो गूगल में, मतलब ऐसे बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसे कर रही है कंपनीज आजकल। तो चीज़ ये है, सिंपल मोटिव ये है, इस मैसेज है, ये मूवी चूज करने के पीछे का रीज़न, हाँ ये रियल लाइफ इवेंट है, उसका जो मैसेज है वो मैसेज ये है कि आपको जो करना है वो आपको ही करना है, कोई कुछ नहीं कर सकता, ना कोई डिग्री, ना कोई एजुकेशन सिस्टम, ना आपके पेरेंट्स, ना फ्रेंड्स, कोई कुछ नहीं कर सकता, आपको अगर करना है देन यू विल प्लान इट, यू विल डू इट, सिंपल एज दैट। इसमें कोई भक्ति, अंधश्रद्धा, विश्वास, इन सभी चीज़ों का कुछ ये नहीं है, आपको करना है देन यू विल डू इट, इफ यू कान डू देन इट्स योर फॉल्ट, सिंपल एज दैट। सो ये है इस मूवी के बारे में, 1 second होल्ड ऑन, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, होल्ड ऑन। पार्ट्स ऑफ द सोमालिया कंटिन्यू कर रहा था, पार्ट टू, तो ये उसमें बताया गया, मैसेज अच्छा है अगर आप समझ सकते हो, उसकी पूरी स्ट्रगल स्टोरी वहाँ पे दिखाई गई है, वो किस तरह से वहाँ पे एडजस्ट करने का ट्राई करता है, किस तरह से लोग उसके साथ बिहेव करते हैं, और फिर उसके बाद में एक फील है उसमें, और जो एक्टर है, मैं एक्टर्स के नाम भूल जाता हूँ, जितने याद है मैं उतने बोलता हूँ, जितना है, अगर नहीं बोल पाया तो नहीं बोल पाया, व्हाटएवर। सो उसका जो स्ट्रगल है, उसने जो एक्टिंग की है,
अगेन मैं सुपर थर्टी के बारे में बात करूंगा, मैं एनजीके के बारे में बात करूंगा, उसमें जो एक्टर्स है ना एनजीके में, सूर्या सर इसमें, सुपर थर्टी में ऋतिक रोशन, और ये इस मूवी में और द हमिंग बर्ड प्रोजेक्ट में जैसे आइजनबर्ग, ये लोग क्या होता है क्या, ये लोग कैरेक्टर साथ इतना घुल मिल जाते हैं, इतना उसके साथ बॉन्ड हो जाता है उनका कि मतलब देखने वाले को भी अच्छा लगता है। किसी की भी स्टोरी हम कब सुनते हैं, किसी की भी बात हम कब मानते हैं, जब हम फील करते हैं बाबा हाँ ये कुछ सही बोल रहा है, कुछ रियलिस्टिक बोल रहा है, इससे कुछ हम लर्न कर सकते हैं। अगर हमको ऐसा लगता है तो हम उसको सुनते हैं, अगर नहीं लगता है तो हम नहीं सुनते, हम सोचते हैं डुप्लीकेट है, फेक है, ऐसे सोचते हैं। तो यहाँ पे ये एक्टर या फिर ये पूरा मतलब जो इन्होंने सिस्टम बनाया है, प्रोडक्शन, डायरेक्शन, सब कुछ, सारी की सारी चीज़ें अमेजिंग है, पिच परफेक्ट है। एज यूजल हॉलीवुड मूवीज में वो लोग बहुत केयर करते हैं बीजीएम, बैकग्राउंड म्यूजिक, साउंड का, जो मूवी के फीलिंग्स के साथ अटैच हो, एक्टर के साथ अटैच हो, ये सारी चीज़ें वो बहुत केयर करते हैं। सो फॉर दैट यू शुड वॉच दिस मूवी, एंड वन इम्पॉर्टेंट मैसेज ऑफ दिस मूवी, फक द हॉवर्ड, ये यूनिवर्सिटी, एजुकेशन सिस्टम, एवरीथिंग एवरीथिंग, ये सारी चीज़ें हैं, ये है वहाँ पे, उसको कोई ब्लेम नहीं कर रहा है, अच्छी होनी चाहिए एजुकेशन सिस्टम, नो डाउट। बट अगर आपको करना है, इफ़ यू वॉन्ट टू डू दैट, इफ योर फीलिंग्स टू डू दैट, इफ योर गट्स टू डू दैट, देन गो एंड डू इट। ये बहुत सबसे बड़ा मैसेज है। हाँ, और ये हाँ, ये लास्ट फाइनल में कंक्लूड करूंगा इस स्टोरी को, ये रियल लाइफ बेस्ट स्टोरी है। आपको चाहिए तो गूगल कीजिए पायरेट्स ऑफ सोमालिया करके, पूरी की पूरी स्टोरी आपको मिल जाएगी, सब कुछ आपको मिल जाएगा। देन कमिंग टू द नेक्स्ट, इसके ऊपर बुक भी लिखी गई है, न्यूयॉर्क टाइम्स की, न्यूयॉर्क अमेरिका, न्यूयॉर्क की सबसे बेस्ट सेलिंग बुक आई गेस 2018-17 की थी, तो वो भी गूगल कर सकते हो आप। ये फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये तो रियल लाइफ पे बेस्ट है ही है, लेकिन जो मैसेज ये देती है ना, इट्स फिनोमिनल, इट्स अमेजिंग। और इट सेज अगर आपको कोई कुछ चीज़ करनी है, वेदर इट्स स्पोर्ट्स, स्टडीज, साइकिलिंग, आर्ट, फार्मिंग, पॉलिटिशियन बनना है, कुछ भी, वॉट एवर इट इज, आपको जो कुछ करना है, इफ यू हैव विल, इफ यू आर डिटरमाइंड टू डू दैट, अगर आप डिटरमाइंड है वो चीज़ करने के लिए, अगर आप स्क्रिप्ट, जिस तरह से मैं पेन और पेपर लेके लिखता रहता हूँ, व्हाट आई वांट टू डू, व्हाट आई डोंट वांट टू डू, दोज थिंग्स, हाउ आई एक्ट ऑन दोज थिंग्स, मैं किस तरह से उन चीज़ों के ऊपर एक्ट करने का ट्राई करता हूँ, ये चीज़ें पहुँचाने का बहुत बड़ा मैसेज ये मूवी आपको देती है। एंड फॉर 101% यू शुड वॉच दिस मूवी, लाइक में एक बार ये मूवी जरूर देखना, और देखने के बाद सिर्फ देखना मत, एट द एंड थिंक, ओपन योर ब्रेन एंड थिंक, सोचो कि क्या था इसमें, क्या बताया गया, व्हाट इट वाज एंड फॉर व्हाट इट वाज, किस लिए बताया गया, इसके पीछे का रीजन क्या है, क्या डायरेक्टर आपको बताना चाहता है, क्या एक्टर आपको बताना चाहता है, इनका मैसेज क्या है इस मूवी के पीछे का, वो समझने की कोशिश करो, और ऐसा कुछ मैसेज रहेगा, देन श्योरली आई विल टॉक अबाउट दैट मूवी। कुछ मैसेज नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही है, वो चल रहा है, व्हाट अबाउट द फक आई शुड टॉक, क्या मैं बात करूँ उस चीज के बारे में, राइट। सो दैट्स अबाउट पाइरेट्स ऑफ द सोमालिया, और कुछ पॉइंट मिस हो गए हैं, नहीं, स्टोरी बोल दी मैंने, एक्टिंग के बारे में बोल दिया मैंने, स्टोरी के बारे में बोल दिया, टू लाइफ बेस्ट इवेंट है वो बोल दिया, एंड यप, टू कंक्लूड, मैं ये स्टार वॉर के चक्कर में भी पढ़ने वाला नहीं हूँ, रेटिंग वेटिंग की कुछ नहीं बोला, जस्ट वॉच दिस मूवी एंड लर्न वॉट यू कैन लर्न, ओपन योर ब्रेन, नॉट योर हर्ट, नॉट योर फीलिंग्स, ओपन योर ब्रेन एंड लर्न। थैंक यू गाइस, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। अगर आपने मूवी देखी है, नहीं देखी है, इस मूवी के बारे में आपके क्या ओपिनियन है, क्या कमेंट्स है, प्लीज़ कमेंट करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपके कुछ भी डाउट्स है, कुछ भी आपको पूछना है, प्लीज़ कमेंट करके मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, द हमिंग बर्ड प्रोजेक्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, स्टे ट्यून्ड।